इस समय मौसम लगातार अपना कहर बरपा रहा है। हाल ये कि राजधानी दिल्ली दरिया बन चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले बात हम राजधानी दिल्ली की ही करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के साथ ही केरल में शनिवार को दिन भर बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहीं पेड़ गिरे तो कहीं दीवारें धसक गई। जहां जहां बारिश हुई वहां सड़कें, मोहल्ले पानी पानी हो गए। बात दिल्ली की करें तो 9 घंटे में 126.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। एक दिन में इतनी बारिश के चलते पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और साथ ही हिमाचल के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 24 घंटे के दौरान बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सोमवार तक और पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिण में केरल के कुछ हिस्सों में सुबह भारी बारिश हुई है। तो भारी बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि पंजाब के जीरकपुर से है। यहां पर किस तरीके से जो सड़क है वो मानो किसी नहर में तब्दील हो गई है और इसी वजह से यहां पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, अमरनाथ यात्रा दूसरे दिन भी रुक चुकी है क्योंकि श्रीनगर हाईवे भी पूरी तरह से जाम है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा उसका बह चुका है। 8 राज्यों में इस समय भारी बारिश हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि मौसम इस समय किस कदर बेईमान है। तो बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून इस समय डरा रहा है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है 3 घंटे के लिए। आपको काफी ज्यादा एहतियात बरतना है क्योंकि 3 घंटे लगातार बारिश होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, बात अगर दिल्ली की करें तो ये कहने के लिए तो देश का दिल है, इसी के साथ राजधानी भी है, लेकिन बात यहां पर जलभराव की निकासी की करें तो ये वाकई दयनीय स्थिति में है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, बात करें जिस तरीके से कल से लगातार बारिश देखने को मिल रही है दिल्ली में, जिस तरीके से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं निचले जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कल जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, कई ऐसे इलाकों को हमने दौरा किया था जहां पर काफी परेशान लोग हो रहे थे जलभराव की समस्या से, उनके घरों में पानी घुस गया। और अभी भी लगातार जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, लगातार बारिश देखने को मिल रही है और जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि सावधानी बरतने की यहां पर बात मौसम विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले 2 से 3 दिन इसी तरीके से बारिश भी होने की संभावना जताता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो मौसम यहाँ पर पूरी तरह से खराब है और इस समय दिल्ली की तस्वीर भी कुछ यही कह रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हर समय यहाँ पर जलभराव होता है जब भी मॉनसून होता है, कहीं ना कहीं एक बड़ी नाकामी क्या है प्रशासन की, इसे कहना गलत होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पंजाब के जीरकपुर की तस्वीर और इसी के साथ ही दिल्ली की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। हालांकि दिल्ली के सीएम ये दावा करते हैं कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, लेकिन इस समय दिल्ली में मौसम का आलम ऐसा है मानो झील खुद दिल्ली में आ गई हो। ये जीरकपुर की ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मुश्किलात का सामना आम लोगों को करना होगा, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अगर आप ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलेंगे तो आपको जाहिर तौर पर जोखिम उठाना पड़ेगा। ये जीरकपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और बारिश के बाद जलभराव की स्थिति यहां पर
खड़ी हो गई। आप देख सकते हैं हर जगह यहाँ पानी ही पानी है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो ये पंजाब के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों को काम पर तो जाना है, दिनचर्या के काम भी करने हैं, लेकिन ये जो बारिश है, ये जो जलभराव है, डरा रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है ऐसे जलभराव में कई हादसे भी हो जाते हैं, चाहे बात वाहन चालकों के साथ की जाए या फिर पोल और खंभों के जरिए आने वाले करंट को लेकर की जाए। अब ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि निकासी की व्यवस्था यहाँ पर परिपूर्ण हो। और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहाँ से संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। राजा पटेल, प्रशासन की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी यहाँ पर लोगों के लिए जारी की गई है, मौसम आने वाले समय में क्या कुछ कह रहा है दिल्ली को? जारी की गई है रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया कि आगे कल पूरे दिन इस तरीके से जमावटम दिल्ली में बारिश देखने को मिली। लोगों को भी यहाँ पर सावधानी बरतने की यहाँ पर बात करना मौसम विभाग नजर आ रहा है। इस तरीके से कल बराबर अलग अलग इलाकों से दिल्ली से कल का सामना है वो एक चिंता कराया है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें चाहे आगरा मंडरपास की बात करें, कई ऐसी कनेक्टिविटी जो हरियाणा और दिल्ली में जो। शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मॉनसून डरा रहा है, और ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए हरियाणा में मानो नदियां ही घर द्वार आ चुकी हो। ये तस्वीर आपके सामने, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, और ऐसे पानी से होकर गुजरना कितना जोखिम भरा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, वाहन चालकों के लिए भी और पैदल यात्रियों के लिए भी। तो ये तस्वीरें आपके सामने और आप देखिए कि यहाँ पर हर जगह पानी ही पानी है और जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से लचर नजर आ रही है। तो इस समय मॉनसून डरा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने थी जो हमने आपको दिखाई। और ये जरकपुर की एक बार फिर तस्वीर आपके सामने, जहां पर बारिश की वजह से मानो नदी बन गई हो सड़क, कुछ ऐसा ही यहां पर दिखाई दे रहा है। और चलिए राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां पर दुकानें आधी डूबी आपको दिखाई देंगी, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो आधी डूबी दुकानें यहां पर ये साफ तौर पर बता रही है कि मॉनसून इस बार बेहद खतरनाक रहने वाला है। तो आप तैयार रहिए क्योंकि ये मॉनसून की पहली भारी बरसात है और उसमें ये हाल है। अभी मॉनसून को डेढ़ महीना बाकी है, तो डेढ़ महीने में ये मॉनसून कौन कौन से इंद्रधनुष के अपने साथ रंग दिखाता है, ये देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय मौसम इस मॉनसून में कितना बेरुखा है। और ये अंबाला की तस्वीर आप देख सकते हैं, अंबाला की तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अंडरपास है पूरी तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो इस अंडरपास में डूब चुकी हैं। अब ऐसे में अगर अंडरपास से होकर आप गुजरते हैं तो ये आपके लिए बेहद जोखिम भरा रहने वाला है। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप भले यहाँ से कुछ अतिरिक्त चल लें, लेकिन ऐसे बाईपास से होकर गुजरना आपके लिए ज़िंदगी का सवाल बन सकता है, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल दिल्ली में ऐसे ही अंडर बाईपास में ना जाने कितनी मौतें हुई थी दिल्ली गुरुग्राम की अगर बात करें। अब यहाँ पर भी यही तस्वीर अंबाला में नज़र आ रही है। तो अंबाला की तस्वीर है आपके सामने, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर गाड़ियाँ पूरी तरह से डूब चुकी हैं, सिर्फ आपको गाड़ियों की छत ही दिखाई देगी। तो जब और गहरा अंडरपास होगा तो क्या हाल होगा, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। और ये धर्मशाला की तस्वीरें हैं। हालांकि बात अगर धर्मशाला के मौसम की करें तो यहाँ पर गर्मी में भी मौसम अपना रंग बदलता रहता है और पल भर में ही मौसम ख़राब हो जाता है, लेकिन मॉनसून है तो मॉनसून में धर्मशाला की अगर बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ है। धर्मशाला को अगर पर्यटन दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी अहम है। और ये मंडी की तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। मंडी की तस्वीर आप देखिए, जो कि वाकई इस समय हैरान कर देने वाली है, क्योंकि मंडी में जगह जगह पर बारिश की वजह से जल जमाव हो चुका है, बाइक यहाँ पर डूब चुकी है, कार यहाँ पर डूब चुकी है, और देखिए घरों के साथ किस तरीके से ये जो
पानी है वो कुछ ऐसा बह रहा है कि जैसे यहाँ कोई झरना हो या नदी नाला हो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुकानें भी आधी डूब चुकी हैं और गाड़ी की छत देखकर आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी यहाँ पर कितना गहरा है। और ये पंडोर डैम की तस्वीरें हैं जहां पर पानी अपने स्तर से ऊपर पहुंच चुका है, जिस वजह से यहाँ के सारे गेट खोल दिए गए हैं। तो डैम के गेट खोल दिए गए हैं और ये देख सकते हैं आप, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो अगले 3 घंटे हैं वो काफी ज्यादा परेशानी भरे रह सकते हैं, क्योंकि रेड अलर्ट इन 3 घंटों के लिए जारी है। तो ये तस्वीरें आपने देखी और खबरें अभी तक लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, और ये तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये जान सकें कि इस समय मौसम की भयावहता क्या है, इस समय मौसम कितना खौफनाक बना हुआ है। मानसून की पहली भारी बारिश है और उसने हाहाकार मचा दिया। कुल्लू की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर एक गाड़ी तिनके की तरह बहती हुई चली गई। तो तिनके की तरह यहाँ पर गाड़ी बहते हुए चली गई, क्योंकि यहाँ पर ब्यास नदी साथ में बहती है। पार्किंग जोन में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन भूमि कटाव हुआ और उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से बह गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है, 1.5 महीना और ज़्यादा अभी बाकी है। तो ऐसे में और भी ज़्यादा नुकसान की जो अंदेशा है, और भी ज़्यादा नुकसान का यहाँ पर जताया जाना गलत नहीं होगा। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश ने आफत मचा रखी है। गुरुग्राम में भी जल जमाव हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने, गुरुग्राम से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर भारी बारिश के चलते जो नदियाँ उफान पर हैं हम नहीं कहेंगे, लेकिन सड़कें उफान पर हैं ये यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही तस्वीरों में प्रतीत हो रहा है, कुछ ऐसा ही तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। नदियों का जो पानी है मानो सड़कों पर आ गया हो। भारी बरसात के चलते जल निकासी यहाँ पर सही ढंग से नहीं होती है हर साल, और उसके बाद ऐसी ही तस्वीरें यहाँ पर सामने आती है। आप देखिए कितना मुश्किल है यहाँ से वाहन चालकों को गुजरना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह बारिश ही बारिश देखी जा रही है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं नदी नाले जहाँ हिमाचल प्रदेश में उफान पर हैं, तो वहीं अगर बात मैदानी क्षेत्रों की करें तो यहाँ पर सड़कें उफान पर हैं। जी हाँ, सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। जो लचर व्यवस्था है जल निकासी की प्रशासन की, वो ये हमें कहने पर मजबूर कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर पानी जम चुका है, पानी यहाँ पर बह रहा है, जिस वजह से कई लोगों की जिंदगियाँ जोखिम में हैं। दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, इमारतों के अंदर पानी है, और इसी के साथ सड़कों का हाल आपके सामने है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई सड़क नहीं बल्कि कोई नदी हो, कोई नाला हो, जहाँ से ये वाहन चालक गुजर रहे हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर, और ये तस्वीर है सोनीपत की। सोनीपत से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर जल निकासी सही तरीके से ना होने की वजह से यहां पर भी जल जमाव हो गया है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जल जमाव की वजह से। हालांकि बच्चों के लिए ये एक मस्ती का मौसम है और बच्चे यहाँ पर मस्ती करते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मस्ती कब भारी पड़ जाए ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसे समय में कई हादसे होते हैं जहां पर करंट लगता है, बिजली और खंभों से करंट आ जाता है। आपको इस पानी में मालूम नहीं है कि अंदर क्या कुछ हो सकता है, तो ऐसे में एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की हम बात करेंगे, और ये खबर है पंचकुला से, जहां पर पंचकुला में भी यहां पर बारिश की वजह से जो तस्वीरें हैं मोरनी से सामने आई, लैंडस्लाइड यहां पर हो गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है और आमजन की कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है कि रास्ते को जल्द से जल्द यहाँ पर खोला जाए। तो देखिए रास्ता पूरे तरह से यहाँ पर बंद हो चुका है और यही खतरा पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर मानसून के दिनों में बना रहता है।
तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये पंचकुला के मोरनी से तस्वीर, और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम अंबाला, क्योंकि अंबाला से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां लोगों को इन तस्वीरों ने परेशान कर दिया है। तो देखिए तस्वीरें आपको किसी शहर की नहीं बल्कि किसी तालाब की लग रही होंगी, लेकिन ये अंबाला है जहां घरों में पानी घुस गया है। तो अंबाला में आप देखिए घरों में यहाँ पानी घुस चुका है, दुकानों में यहाँ पर पानी घुस चुका है, लोग परेशान है। हमारे ठेकेदार के फट्टे फुट्टे सारे तैर गए। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम जीरकपुर, जहां जीरकपुर में इस समय जो तस्वीरें हैं वो आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि इस मौसम में आपके लिए बाहर निकलना कितना परेशानी भरा रह सकता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर भी घरों के अंदर पानी घुस चुका है। तो यहां पर भी घरों के अंदर पानी घुस चुका है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रेड अलर्ट क्योंकि मौसम को लेकर जारी किया गया है, जो अगले 3 घंटे हैं वो काफी ज्यादा भारी रहने वाले हैं। और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की हम बात करेंगे, जहां बारिश के चलते इस समय पंचकुला में घग्गर नदी उफान पर है। हिमाचल से पानी आने से घग्गर में जलस्तर बढ़ चुका है, नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घग्गर नदी के पास इस समय जाना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले भी घग्गर नदी में कई हादसे हो चुके हैं। अगर बीते ही कुछ दिनों की बात करें, देर शाम पंचकुला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देर शाम पंचकुला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। ये तस्वीर आपके सामने है, घग्गर नदी इस समय यहाँ उफान पर है। तो घग्गर नदी यहाँ पर उफान पर है, घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। हिमाचल से पानी आने पर जलस्तर बढ़ चुका है, क्योंकि हिमाचल में जो डैम है वहाँ पर जो पानी का जलस्तर है वो खतरे के निशान पर पहुँच चुका है। तो ऐसे में जो डैम के गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, जिस वजह से घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस समय कई डैम हैं जहां पर खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है, और एक घग्गर नदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले घग्गर नदी में कई हादसे हो चुके हैं, कई युवक यहां पर बह चुके हैं, एक कार यहां पर बह गई थी। एक बार खबरें अभी तक भी आपसे फिर से अपील कर रहा है कि आप नदी नालों के करीब ना जाएं, क्योंकि इस समय नदी नालों के करीब जाना आपके लिए भयावह हो सकता है।